अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ साइंस फ्रॉम द बुक स्मार्ट साइंस। टुडे वी विल स्टडी सम टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 7 विच इज इन्वेस्टिगेटिंग मटेरियल्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर आर टू अंडरस्टैंड एंड टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स, नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल्स। So open your books, let's start reading from page number 28. Investigating materials. Investigating materials का मतलब होता है कि हमने material को की जांच पड़ताल करनी है, ठीक है। जैसे एक पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है ना किसी भी मामले की, इसी तरह हम materials की भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम बताएंगे कि material किस तरह का है, material कौन सा है, ठीक है। Everything around us is made up of material. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किसी चीज़ वो मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। अब मटेरियल से मुराद क्या होती है कि हम घर में देखते हैं कि हमारे पास चेयर है, हमारे पास टेबल है, ठीक है, बेड होता है हमारे पास, गिलास होते हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसी तमाम की तमाम अशिया किसी न किसी चीज़ से बनी होती हैं, ठीक हो गया। प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं। There are many different kinds of materials such as wood, paper, glass, etc. हमें बताया जा रहा है कि बहुत सारी टाइप्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होती हैं मटेरियल्स की, जिसमें उन्होंने आपको तीन मिसालें दी हैं, ठीक है। पहली वुड, लकड़ी, पेपर, पेपर भी एक मटेरियल है, ठीक है, और उसके बाद ग्लास। हमने ग्लास हम कहते हैं शीशे को, ठीक है। शीशे की हमारे पास खिड़कियाँ भी होती हैं, हम आम जो ग्लास किचन में ग्लास पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी ग्लास का बना होता है, ठीक है। मटेरियल्स मे बी नेचुरल सच एज वुड फ्रॉम ट्रीज और मैन मेड सच एज ग्लास। अब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि होते हैं नेचुरल, मतलब कुदरती होते हैं वो, ठीक है, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, मतलब जो इंसान बनाते हैं। अब वो कौन कौन से मटेरियल हैं जो नेचुरल होते हैं? वो वुड है, वुड यानी कि लकड़ी जो है वो हमें मिलती है दरख्त से। दरख्त जो है वो इंसान ने नहीं बनाए, दरख्त अल्लाह ताला ने बनाए हैं, ठीक है। हम तो सिर्फ उसको उगाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, हमारे पास एक दरख्त बन जाता है, फिर हम उसे लकड़ी ले लेते हैं, वो उस लकड़ी को फिर हम अपने घर में मतलब कि इस्तेमाल करते हैं। बेड में भी लकड़ी लगी होती है, ठीक है, टेबल्स भी लकड़ी के बनते हैं, चेयर्स भी बनती हैं, ठीक है। और मैन मेड सच एज ग्लास, फिर जो इंसानों ने चीज़ें बनाई हैं उसमें से गिलास है, शीशा जो है वो इंसान ने खुद बनाया है, ठीक है। तो फिर उसकी हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे घर में देखें, अब घर में देखें ना, घर में हम इस्तेमाल करते हैं शीशे के टेबल भी होते हैं आजकल, ठीक है, और शीशे की खिड़कियाँ होती हैं, शीशे के गिलास होते हैं, ये सारी चीज़ें इंसान ने खुद बनाई हैं। बाई एक्सप्लोरिंग द सिमिलैरिटीज़, एक्सप्लोर कहते हैं कि हम उसको चेक करेंगे, ठीक है, जांचेंगे। By exploring the similarities and differences between materials, हमने देखना है कि materials के अंदर कौन कौन सी चीज़ें similar होती हैं, यानी same होती हैं। similarities कहते हैं same होने को, and differences और कौन कौन सी चीज़ें difference होती हैं materials के बीच में, ठीक है। We begin to see why some materials are better suited for some objects than others, और फिर हमें बताया जा रहा है कि हम ये भी देखेंगे कि कुछ जो है मटेरियल्स होते हैं वो किसी ख़ास चीज़ के लिए वो सूटेबल होते हैं, मतलब वो अच्छे होते हैं। अगर हम जो है वो टेबल बनाएंगे लकड़ी का तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, इसके बजाय कि हम टेबल जो है वो किसी और चीज़ का, हम जैसे हम दीवार बनाते हैं, ठीक है, दीवार, तो दीवार में हम इस्तेमाल करते हैं ईंटें, बजरी, ये सब कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दीवार के अंदर। तो अगर हम टेबल इसका बनाएंगे तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा, ठीक है, वो हमारे लिए वो टेबल बहुत भारी हो जाएगा अगर हम टेबल ईंटों का बनाएंगे तो इसलिए हम टेबल बनाते हैं लकड़ी से और दीवार हम बनाते हैं ईंटों से या बजरी से। वी कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज़, हम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फ़र्क करेंगे। डिस्टिंग्विश कहते हैं फ़र्क करने को, ठीक है, डिफरेंस करना, ये आप नोट कर लें साथ साथ, जो मुश्किल मीनिंग्स है ना इनको मैं आपको साथ साथ उर्दू में बताया जा रहा हूँ, तो आप इसको साथ साथ नोट करते जाएँ, ठीक है। वी कैन डिस्टिंग्विश ऑब्जेक्ट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज़, हम
मटेरियल को उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से भी डिस्टिंग्विश करते हैं। प्रॉपर्टीज से मतलब क्या होती है कि अगर लकड़ी है तो हम कहते हैं कि लकड़ी सख्त होती है, ठीक है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। वी कैन ऑल्सो मेयर देयर वेट, हम मटेरियल्स का वेट भी मेयर कर सकते हैं, जैसे कि लकड़ी है हम उसका वेट मेयर कर सकते हैं, शीशा है हम उसका भी वेट मेयर कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट दैट द टाइनीस्ट पीसीज ऑफ मटेरियल्स ऑल्सो हैव वेट, हम क्या देखते हैं, हम देख सकते हैं कि अगर हम लकड़ी को या लोहे को, या लोहे को हम इंग्लिश में कहते हैं मेटल, या प्लास्टिक को या फोम को अगर हम उसके पीसीज में किसी के भी पीसीज में डिवाइड करेंगे तो उस छोटे से पीस का भी वेट होगा, ठीक है। एंड दैट सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स, और ऐसा भी होता है कि किसी एक ऑब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा मटेरियल भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी दीवार की ना, वॉल की, वॉल के अंदर हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ईंटें यानी ब्रिक्स, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं सैंड यानी रेत, फिर हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेवल यानी बजरी, मतलब कि और सीमेंट, मतलब दीवार जो है वो चार चीज़ों से मिलकर बनती है, चार चीज़ों से, जिसमें ईंटें, बजरी, रेत और सीमेंट, ये चारों के चारों डिफरेंट मटेरियल्स हैं। नेक्स्ट फिर हम हेडिंग पढ़ते हैं, आइडेंटिफाइंग मटेरियल्स। लुक एट द पिक्चर ऑफ अ मोटर बाइक टू स्टडी अ नंबर ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग इट, हमें कहा जा रहा है कि आप इस पिक्चर को देखें, ये मोटर बाइक की पिक्चर हमारे सामने बनी हुई है, ठीक है, इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो वो हमने याद करने हैं और देखना भी है कि किस किस जगह पे कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आप देखेंगे कि इसके अंदर मिरर भी होते हैं, दो मिरर हैं जो ग्लास के बने हैं, ठीक है, शीशे के हैं यानी कि, और इसकी लाइट भी जो है, जो फ्रंट लाइट होती है और जो रेयर लाइट होती है यानी कि बैक लाइट, वो दोनों भी शीशे से बनी होती हैं, ठीक है। इसके जो टायर हैं वो रबड़ के होते हैं, इसका जो इंजन है वो मेटल का होता है, ठीक है, मेटल का, और बाइक की और भी काफ़ी जगह पे मेटल का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसकी सीट है वो फोम की होती है, मतलब एक बाइक के अंदर हमने 5 से 6 तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया है, ठीक है। द मटेरियल दैट आर यूज्ड इन मेकिंग अ मोटर बाइक आर प्लास्टिक, फैब्रिक, फोम, मेटल, रबर एंड मिरर, अब हमें बताया जा रहा है कि हमने मोटर बाइक को बनाने के लिए जिन चीज़ों, जिन मटेरियल्स को इस्तेमाल किया है वो कौन कौन सी हैं, एक तो प्लास्टिक है, ठीक है, दूसरा फैब्रिक, फैब्रिक कहते हैं धागे को, ठीक है, फोम, उसके बाद मेटल लोहा, उसके बाद रबर और फिर मिरर शीशे। द ऑब्जेक्ट्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ आर मेड ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब कि जो जो चीज़ें हम अपने डेली लाइफ में, अपने घरों में, मार्केटों में, बाज़ारों में इस्तेमाल करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बनी होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा घर होता है, टेबल है, चेयर है, अभी हमने एग्जांपल ली थी कि हमारा क्लासरूम है, ठीक है, कोई बिल्डिंग बनी है, कोई बाइक हमारे पास है, बाइसाइकिल है, कोई कार है, ये सारी की सब चीज़ें, ये सब की सब चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट मटेरियल से मिल के बनी होती हैं। अब आप अपना होमवर्क नोट कर लें, ठीक है, इस पेज के एंड पे देखिए आपको दी गई है एक्टिविटी, जिसमें आपको बताया गया है कि आप अपने क्लास के बारे में सोचें कि आपकी क्लास में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है, और उस मटेरियल का आपने नाम लिखना है, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।